ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते ही भारत में छा गए हैं। दरअसल इस पद को संभालने वाले वे पहले अश्वेत, पहले हिंदू और पहले भारतवंशी हैं। हालांकि ऑल ओवर वर्ल्ड देखा जाए तो भारतीय मूल के 70 से अधिक ऐसे नेता हैं जो अलग अलग देशों में यह सियासी करिश्मा कर चुके हैं और वे सर्वोच्च पदों पर काबिज हुए हैं। सबसे ज्यादा 9 बार मॉरिशस में भारतीय मूल के नेता राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री पद पर पहुंचे हैं। ऐसे में आज हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में भारतीय मूल के उन 5 बड़े नेताओं के बारे में बताएंगे जो अपनी काबिलियत के दम पर सियासत की बड़ी कुर्सी पर पहुंचे हैं। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर बात करते हैं कमला हैरिस की। ये भारतीय मूल की है और वर्तमान में अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति है। अमेरिका के इतिहास में कमला हैरिस पहली महिला उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च रैंकिंग वाली महिला है। इसके साथ ही वो अमेरिका की पहली अफ्रीकी अमेरिकी और एशियाई अमेरिकी उपराष्ट्रपति है। हालांकि कमला हैरिस का जन्म कैलिफोर्निया में हुआ है लेकिन उनकी माँ भारतीय है। कमला हैरिस 2017 से 2021 तक कैलिफोर्निया की सीनेटर थी। वहीं 2011 से 2017 तक कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल रह चुकी हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी से आने वाली कमला हैरिस के नाम की घोषणा जब अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने सहयोगी के तौर पर की तो पूरी दुनिया की निगाहें उन पर टिक गई थी। तभी से कुछ सवाल चर्चाओं के तौर पर रहे थे कि कमला हैरिस में ऐसा क्या था जो इस प्रतिष्ठित पद के लिए उन्हें चुना गया। वो अपनी सफलता का इतना अधिक श्रेय अपनी अप्रवासी भारतीय माँ को क्यों देती है? इसका जवाब एक किताब में मिलता है। उस किताब का नाम है कमला हैरिस की बायोग्राफी। इसमें कमला कहती है कि समाज अपराध मुक्त तभी हो सकता है जब सजा से अधिक पुनर्वास पर ध्यान दिया जाए। इसमें कमला को साहसी और करिश्माई महिला बताया गया है जो हर संकट को मात देते हुए आज की राजनीति की विषम परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहती है। इस लिस्ट में 4th नंबर पर बात करते हैं भारतीय मूल के वेवल राम कलावन की। ये सेशल्स के बड़े राजनेता ही नहीं है बल्कि वहां के वर्तमान में राष्ट्रपति भी है। उन्होंने 26 अक्टूबर 2020 को सेशल्स के राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभाली थी। राष्ट्रपति बनने से पहले वेवल राम कलावन विपक्षी नेता और कई बार सांसद भी रह चुके हैं। बता दें कि वेवल राम कलावन की जड़ें भारत की बिहार से जुड़ी हुई है और उनके दादा बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले थे। वेवल राम कलावन पुजारी भी रहे हैं और पिछले 2 दशकों से पॉलिटिक्स में पूरी तरह एक्टिव है। बता दें कि साल 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा के दौरान कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। उस समय भी राम कलावन काफी चर्चा में रहे थे। बता दें कि वेवल राम कलावन का जन्म सेशल्स के माहे में हुआ था जिसके बाद वो मॉरिशस में धार्मिक अध्ययन के बाद एक पुजारी बने थे। उन्होंने साल 1998, 2001, 2006 के चुनावों में अपनी पार्टी का नेतृत्व किया। इन सभी चुनावों में वो विपक्ष का हिस्सा बने रहे। 2020 के चुनाव में उन्होंने 54.9% वोट हासिल किए थे। अब बात करते हैं प्रविंद जगन्नाथ की। इस लिस्ट में 3rd नंबर पर है। ये भी भारतीय मूल के हैं और इनकी भी गिनती दुनिया के शीर्ष नेताओं में होती है। प्रविंद जगन्नाथ वर्तमान में मॉरिशस के प्रधानमंत्री है। बता दें कि प्रविंद जगन्नाथ ने मॉरिशस की कैबिनेट में कई प्रमुख पदों पर काम किया है। बाद में ये सर्वसम्मति से प्रविंद जगन्नाथ को प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए थे। प्रविंद जगन्नाथ का जन्म कैवर्ने में एक भारतीय परिवार के घर में हुआ था। उनके पूर्वज उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रसरा के रहने वाले थे। प्रविंद कई बार भारत के दौरे पर आ चुके हैं। इतना ही नहीं, 2022 के अप्रैल माह में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ 3 दिनों के दौरे पर बनारस आए थे। तब उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनसे शिष्टाचार मुलाकात की थी। उन्हें अंगवस्त्र उड़ाया और श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का प्रतीक स्मृति चिन्ह प्रदान किया था। इसके साथ ही मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने अपने देश में निवेश के लिए भारतीय लोगों को आमंत्रित भी किया था तथा अपने देश की अर्थव्यवस्था के बारे में भी बताया था। उन्होंने ये भी कहा कि इसके पहले 2019 में भी वे काशी आए थे। उन्होंने बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक भी किया। अब बात करते हैं मोहम्मद इरफान अली की। इस लिस्ट में ये 2rd नंबर पर है। वे गुयाना के बड़े पॉलिटिशियंस तो हैं ही, वर्तमान में वहां के राष्ट्रपति के पद पर काबिज है। इरफान अली गुयाना के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी है। वे 2 अगस्त 2020 को इस पद पर पहुंचे। इरफान अली का जन्म वे वेस्ट कोस्ट डेमारारा के लियोनोरा में एक मुस्लिम इंडो गुयाना परिवार में हुआ था।
गुयाना के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने भारत में ही पढ़ाई की है। उन्होंने दिल्ली के कॉलेज में अपना एडमिशन कराया था। बता दें कि 8 लाख आबादी वाले गुयाना में लगभग आधी जनसंख्या भारतीय मूल के ही हैं। इरफान अली का जन्म 25 अप्रैल 1980 को हुआ था। उनकी पॉलिटिक्स में एंट्री साल 2006 में हुई थी। साल 2009 से 2015 तक वे मंत्री के पद पर काबिज रहे। उन्होंने कई विभागों की जिम्मेदारी संभाली थी। गुयाना की पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी सिविक के सदस्य रहे अली ने साल 2020 के आम चुनावों में जीत हासिल की थी। वे गुयाना के 10वें राष्ट्रपति बने हैं। पहले नंबर पर बात कर रहे हैं सर शिव सागर राम गुलाम की। विदेशों में लीड रोल निभाने वालों में इनसे बड़ा कोई नहीं। हालांकि शिव सागर राम गुलाम अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनकी उपलब्धि पर पूरे भारत को गर्व है और हर बिहारी भी गौरवान्वित है। बता दें कि सर की उन्हें उपाधि मिली थी। दरअसल सर शिव सागर राम गुलाम न केवल मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री बने, बल्कि उन्होंने वहां की धरती को आजादी भी दिलाई थी और उनका नाम मॉरिशस के इतिहास में सबसे अधिक वर्षों तक रहने वाले प्रधानमंत्री के रूप में भी जाना जाता है। वे लगातार 1961 से 1982 तक वहां प्रधानमंत्री रहे थे। बताया जाता है कि लगभग 150 साल पहले बिहार के भोजपुर से कुछ लोग रोजी रोटी के लिए मॉरिशस गए थे। उन्हीं में से एक थे मोहित राम गुलाम और उन्हीं के बेटा थे शिव सागर राम गुलाम। उन्हें बचपन में माता पिता केवल के नाम से पुकारते थे। शिव सागर राम गुलाम हिंदू धर्म के अनुयायी, हिंदी भाषा के पक्षधर और भारतीय संस्कृति के पोषक थे। उनके प्रधानमंत्री रहते हुए हिंदी के पठन पाठन में बहुत प्रगति हुई। विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने हिंदी के विकास में कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने ही सर्वप्रथम विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना का विचार रखा था और उन्हीं के पुत्र नवीन चंद्र राम गुलाम बाद में मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने थे। नवीन चंद्र प्रधानमंत्री रहते हुए बिहार आए थे, तब उन्होंने कहा था, मैं अपने पूर्वजों की भूमि पर आकर अपने घर में होने का सुकून महसूस कर रहा हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं अपनी खुशी को व्यक्त कर सकूं। दूसरी ओर बिहार ने भी मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री सर शिव सागर राम गुलाम को मरणोपरांत भरपूर सम्मान दिया। पटना में गांधी मैदान के पास सरकार ने उनकी आदमकद प्रतिमा लगवाई और नाम दिया राम गुलाम चौक। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।